हाय गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं एल्विस यादव और मैक्स टर्न के बारे में। तो कल मैक्स टर्न और एल्विस यादव ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। दरअसल गाइस, पूरा मैटर में आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो बात शुरू हुई थी बिग बॉस 17 से। तो मैक्स टर्न ने ट्वीट किया, आफ्टर रिसेंट एपिसोड ऑफ बिग बॉस 17 प्रोबेबिलिटी ऑफ मुनावर फारूकी विनिंग द शो इज अबाउट 70% नाउ। इस पर दुहान ने कॉमेंट कर लिखा, उस जी हड्डी को अपना बाप ही बना ले भाई। तो फिर मैक्स टर्न ने जवाब दिए, अन एवरेज कट्टर गवार हु कुड नॉट अंडरस्टैंड माई ट्वीट बट गो टाइम शूट ऑन इट। फिर मैक्सटर ने एक ट्वीट शेयर कर लिखा, खुद मुनावर फारूकी का नाम यूज करेगा, कोई दूसरा करे तो उसको एंटी हिंदू और जी हड्डी बोल देगा। और भी कुछ लोग मैक्सटर को थोड़ा हेट देने लगे। फिर मैक्सटर ने रिप्लाई देते हुए लिखा, एवरेज गाय फ्रॉम गवार आर्मी पहले पढ़ ले क्या लिखा है। ऐसा ही इनके भी थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गया। फिर दुहान ने ये वीडियो शेयर कर लिखा, मैक्सटर जैसे छपरियों को तो इनका बाप एल्विस यादव खड़े खड़े लाइव पेल देता है। इससे आगे इस थ्रेड में मैक्स टर्न जैसे छपरियों को भी लाइमलाइट दी गई है। वो छपरी जो internet.com पे जाकर एल्विस को गाली तो दे देते हैं, पर उसके बाद रिस्पॉन्स से इतना डरते हैं कि जाके अपनी मेज के नीचे छिप जाते हैं कि कहीं एल्विस इन्हें ना उठा ले जाए। क्या गंदा का हो रहे हो तुम? अच्छा कैरेक्टर जैसा है सब कुछ गंदा एकदम। फिर मैक्सटर ने इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा, एल्विस यादव ये किन गवारों को फॉलो करके रखा है। फिर एल्विस यादव ने रिप्लाई दिया और लिखा, तुम्हें अनफॉलो कर दूं फिर? मैक्सटर ने लिखे, कर दो भाई। फिर मैक्सटर ने कहा, मैं ही कर देता हूं, तुम क्या मेहनत करोगे। तो गाइस, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। और कमेंट में चिल इंसान लिखे, इसे कवर करने के लिए न्यूज बॉय का इंतजार है। क्रेजी दीप लिखे, ई लफड़ा। और फिर धुआन ने ट्वीट कर लिखा, एल्विस भाई हिमसेल्फ इज कमिंग टू माई सपोर्ट, जलवा है हमारा। गाइस, ये था पूरा मैटर। अब आपका इस मैटर पे क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। गाइस, अब बात कर लेते फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान सेलिब्रिटी वीकली लिस्ट में नंबर 1 पर है। इंडियन फोरम्स ने ट्वीट कर लिखा, सेलिब्रिटी रैंकिंग द वीकली डिजिटल रैंकिंग रिपोर्ट इज हियर, चेक आउट द डिजिटल स्टार दैट मेड इट टू दिस लिस्ट। रैंकिंग इज कैलकुलेट बेस्ड ऑन द सेलेब्स बज, फैन फॉलोइंग, सोशल मीडिया एंगेजमेंट। इसमें पहली रैंक पर है फुकरा इंसान, सेकंड पर है एल्विस यादव, फिफ्थ पर है अनुष्का सेन, एट्थ पर है एमसी स्टैन, फिर मनीषा रानी, टेंथ पर है आशीष चंचलानी, फेजू, उर्वशी, रियाज और बाकी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं थगेश के बारे में। तो क्या थगेश वाइल्ड कार्ड एंट्री से बिग बॉस में जाने वाले हैं? वेल गाइस, कल थगेश ने बताया था कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है और द थगेश शो का सीजन 2 आने में साल भर भी लग सकता है। आप एक क्लिप देखिए। नोमेंट 6-8 महीने का ब्रेक हो सकता है या साल भर भी जा सकता है सीजन 2 के लिए, बट आएगा, जरूर आएगा, फ्यूचर में आएगा। हम एक बहुत और भी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसकी हमने कल ही मीटिंग की, एंड थिंग्स आर गोइंग ग्रेट। मतलब कुछ टाइम में शायद वो आ जाएगा। मैं बताऊंगा नहीं क्या है, मेरा अभी मुंह से निकल जाएगा इसलिए मैं ज्यादा बताता नहीं। मेरे को पता है मेरे मुंह से निकल जाएगा फिर पूरा फ्लॉप हो जाएगा, बट इट्स समथिंग ग्रेट एंड उसमें आप लोगों की बहुत ज्यादा मदद चाहिए होगी मुझे। फिर इसको रीट्वीट कर साउथ धमाका ने लिखा, बिग बॉस 17 अस वाइल्ड कार्ड एंट्री होगा, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है। तो थगेश रिप्लाई दिए और कहा, बड़ा प्रोजेक्ट बोला है फिर बिग बॉस कैसे हुआ। तो इस पर क्रेजी दीप कमेंट कर लिखे, बाबा तुम आए तो फुल सपोर्ट रहेगा। और लक्ष्य चौधरी भी रीट्वीट कर लिखे, तुम्हारे प्रोजेक्ट से बड़ी मेरे पास एक और चीज है, बिना कैमरे के दिल्ली आना, कुछ दिखाऊंगा, महसूस कराऊंगा। गाइस, आपको थगेश के बारे में क्या कहना है? क्या सच में वो बिग बॉस 17 में जाने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताना। तो अब बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। तो धोनी ने बताया कि उन्हें बंगाली भी बोलना आती है और जिससे उन्हें मैच में फायदा भी हुआ था। आप ये क्लिप देखिए, वो क्या कहे। खड़गपुर में मेरा रेलवे का जॉब था तो उस समय बंगाली मेरी बहुत अच्छी थी। अब भी बोलूंगा तो भूल भाल बोलूंगा, किसको क्या खराब लग जाएगा पता नहीं, बट आई कैन अंडरस्टैंड बंगाली वेरी वेल। आजू बाजू मेरे में अगर आप बंगाली बोलोगे नो तो मुझे पता है। सो बहुत इंटरेस्टिंगली हम लोग बांग्लादेश में मैच खेल रहे थे तो मैं बैटिंग कर रहा था, उनको नहीं पता था मुझे बंगाली आती है। वो कीपर उधर से चिल्ला के फास्ट बॉलर को बोल रहा था कुछ, मुझे पहले पता था वो क्या डालने वाला है। तो पूरा जब मैच खत्म हुआ फिर उन लोग बात बात कर रहे थे तो मेरा रिएक्शन उन्होंने, ए एक बंगाली बूझते पड़ी। भाई धोनी सर का तो स्वेग है। वैसे ये वीडियो नया है या पुराना इसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन मुझे दिखा तो मैंने आपको बता दिया। गाइस, ये थी वीडियो, कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।